नमस्कार किसान भाइयों, अगर सरकार किसानों को सोयाबीन में कुछ नहीं देगी तो किसान हो जाएंगे कंगाल। तो चलिए जान लेते हैं आज 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार से लेकर 10 मार्च 2024 तक आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर सोयाबीन में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी। किसान भाइयों, जैसा कि हम हर हफ्ते आपको एक तेजी मंदी रिपोर्ट देते हैं, जहां पे आप लोग को बताते हैं कि आने वाले दिनों में सोयाबीन की तेजी मंदी क्या रहने वाली है, तो आप देखते हैं उसी प्रकार से आपको बाजार चलते हैं। आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम लेकर आते हैं वो 100% जो कि वरिष्ठ किसान होते हैं उन्हीं से, हम व्यापारी होते हैं उन्हीं से लेकर आते हैं और बाद में आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसलिए रोजाना सोयाबीन के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसान भाई, देखा जाए तो पिछले 1 से 1.5 महीने सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी। वहीं पर दोस्तों आपको लगातार सोयाबीन के एमएसपी पर नीचे जा चुके हैं, जिसपे अब किसान भाइयों में ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिनके कारण किसान भाई अपने सोयाबीन की फसल निकालने लगे हैं, बेचने लगे हैं, क्योंकि डर सता रहा है कहीं ना कहीं आगे सोयाबीन की कीमतों में ज़्यादा गिरावट ना आ जाए। कहीं ना देखा जाए तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में क्रॉप आनी है और उसमें भी बता दें अच्छी इसे साल पैदावार हुई है। देखा जाए तो चीन और इस साल सोयाबीन की डिमांड कमी देखी जा रही है, इसकी जिसके कारण भारतीय सोयाबीन विदेशों में नहीं जा पा रहा है, सोयाबीन के अच्छे दामों नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार का बड़ा फैसला इंस्टीट्यूट जो कि देने का प्रावधान कर रही है, तभी सोयाबीन की कीमतों में तेजी आ सकती है, और अन्यथा हफ्ते में सोयाबीन की कीमतों में विशेष तेजी उम्मीद न करें। धन्यवाद।